नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। जनपद में शिव भक्तों का आवागमन बड़ी कावड़ के साथ में आना शुरू हो गया है। कुछ जगह खंभों पर जा रहे तारों के नीचे होने से भोलों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि एक और जिला प्रशासन व तमाम अधिकारीगण कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने पर हर कोर जोशिश में लगे हुए हैं। वहीं कुछ जगह वाईफाई डिस्क के तार खंभों पर ऊंचाई होने के बावजूद भी बड़ी कांवड़ में उलझकर समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। आज शिव चौक पर एक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है, जब शिव भक्तों के द्वारा लाई गई कांवड़ को जो तार में फंस गई वो तकरीबन 20 मिनट तक फंसी रही, जिससे भोलों द्वारा छोटे हाथी पर चढ़कर एक लंबी बांस की छड़ी से निकाला गया। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी कांवड़ जनपद से निकलने को है और जहां ऊंची कांवड़ आने वाली है वहीं कांवड़ में तारों के नीचे से निकलने में परेशानी हो रही है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि भोले किस तरह कांवड़ से तार निकालने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। आपको बता दें कि आस्था का कोई रूप नहीं होता है, उसी का उदाहरण आज बछेड़ी मार्ग पर शिव भक्तों की सेवा में नन्हे मासूम बच्चे भरी गर्मी के चलते पानी पिलाते हुए मिले। उन बच्चों की यह सेवा कोई देख दिखाए हुए के लिए नहीं बल्कि अपितु उनके भाव के चलते हुए है। बच्चों ने भोले को उमस भरी गर्मी के चलते पानी पिलाकर बड़े ही पुण्य का काम किया है। चौगामा की आवाज़ के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता संजय धीमान की रिपोर्ट। दोस्तों अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।